असी इस वक्त दिल्ली के कुंडली बार्डर के उपर खड़े हाँ। जिस तरह किसानी संघर्ष चल रहा, कई बार सुनते हैं कि इतिहास नूं दोहराया जा रहा, एक नवा इतिहास बन रहा, किमें बन रहा। इतों करीब 300-350 किलोमीटर तो एक बजुर्ग बंदा कल दा तुरिया होया साइकल ते दिल्ली पहुँचा। सो जदों जज्बे ने विशाल होण तां कोई लड़ाई ऐसी नहीं हैगी कि वह ना जीती जाए। सो आओ आप गलबात करते हैं कि किस तरह कदों तुरे वह और किमें पहुँचे। हाँ जी, की नाम अपना थोड़ा? करनैल सिंह। उच्ची बोल रहे करनैल सिंह। करनैल सिंह जी, तुसीं किहड़े पिंड तो आए हो? बाठा तो। बाठा और तकरीबन किन्ने किलोमीटर होगा थोनू अंदाजन? 350 होगा, घट नहीं है। अच्छा, 350 किलोमीटर तो उपर जिहड़ा हैगा वो सफ़र इन्होंने तय किया। कदों चले सीगे? 5:30 बजे घरों, सुबह चाय पीती, दो घंटे आराम कर। देखो हौसले, देखो कि साइकिल दे उपर चले 350 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया और रास्ते दे विच भी कितने नहीं खड़े। कितों इस तरह का जज्बा आया, की सोच के चले? कोई मन च नहीं, मैं जाऊँ साइकिल नहीं जानता नहीं। अच्छा, मन च ठीक है। की लगता थोनू तुसी दिल्ली नू की सुनेहा देना आए हो, केंद्र की सरकार नू की सुनेहा देना आए हो? मैं देख रहा थोड़े साइकिल के उपर एक तो किसान यूनियन का झंडा लग्या, एक होर काले रंग का झंडा लग्या, की थोड़े मन के विच? मैं शर्ता वापस लिया दी किसान सारे दी, यही चीज़ हो जाता ठीक है। हाँ, काला झंडा जो लाया है कि रोस आ मन के? रोस तो है ही है, ठीक है, पूरा रोस है। सो ये करनैल सिंह जी ने, इन्हों के पिंडों होर भी इतने संगत पहुंचिया ने, आपां उन्हां नाल भी गलबात करांगे कि किस तरह पहला भी करनैल सिंह ने कुछ इस तरह का जज्बा कदे दिखाया होवे। इधर साढ़े को एक बजुर्ग खड़े ने, आपां इन्हां नाल गलबात करदे हां। की नाम है जी अपना? नेत्र सिंह सोही, पिंड बाठा। अच्छा, सोई साहब, करनैल सिंह ने थोड़े पिंडों, करनैल सिंह जी ने इन्हें ये साइकिल पर आए ने, किस तरह पहला भी कुछ इस तरह का इन्होंने करया जा, किस तरह के इंसान ने? ये साइकिल तो कोई छोटी चीज़ है, ये वास्ते 125 मीटर उच्चा जोड़ा अपने निशान साहब लग्या हुआ 125 फुट। हाँ, ये हत्थां नाल सीधे चढ़ जाते हैं बगैर पौड़ी तो, कोई उस तो नहीं। ये जब साढ़े झंडा चढ़ाते ने, ये योधे की ड्यूटी लाने होंने असं सीधे ये जाके उत्थे झंडा केसरी केसरी निशान साहब का, गुरु साहब के झंडा इन्हों के गुरु साहब की थापना। हूँ ये दिल्ली जितन आया होया, दिल्ली असी जित के जाना, दिल्ली तो बहुत छोटी है। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਜਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪਿੰਡ ਬਾਠਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਆ, ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ।